हेलो, आज हम बनाएंगे रेस्टोरेंट स्टाइल सोया चिली। ये बिना किसी झंझट बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्दी और बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होती है, और इसे सभी पसंद भी करते हैं, चाहे बच्चे हो या बड़े हो, सभी की फेवरेट होती है। तो चलिए इसे जल्दी से बनाना शुरू करते हैं। एक बर्तन में पानी गर्म करेंगे, फ्लेम को मीडियम रखेंगे। पानी में डालेंगे 1 चम्मच चिली सॉस, 1 चम्मच नमक। यहाँ मैंने 1 चम्मच सोयाबीन लिया है। आपको जितने सोयाबीन की नीड हो आप उतने सोयाबीन यूज़ कर सकते हैं। सोयाबीन डालने के बाद अच्छा बॉयल आने तक वेट करेंगे। बॉयल आ जाने के बाद हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और सोयाबीन को अच्छी तरह फूलने देंगे। ये सोयाबीन हमारी अच्छी तरह फूल गई है और ठंडी भी हो गई है। हम सोयाबीन का पानी निचोड़ कर इसे निकाल लेते हैं। यहाँ मैंने सारे सोयाबीन का पानी निचोड़ कर निकाल लिया है। सोयाबीन में अब बिल्कुल भी पानी नहीं है। अब सोयाबीन में हम डालेंगे 2 चम्मच मैदा, 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर, आधी चम्मच नमक, 1/4 छोटी चम्मच काली मिर्च का पाउडर। आप इसकी जगह लाल मिर्च का पाउडर भी डाल सकते हैं। 1 चम्मच सोया सॉस। सोया सॉस आप चाहे तो पानी गर्म करते समय चिली सॉस के साथ भी डाल सकते हैं। अब सोयाबीन को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे ताकि सारे सोयाबीन पे अच्छी कोटिंग आ जाए, जिससे सोयाबीन हमारे क्रंची तलकर रेडी हो और इनमें ऑयल बिल्कुल भी सोख ना हो। अब एक कटोरी लेंगे, उसमें 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर डालेंगे, थोड़ा पानी डालेंगे और इसकी एक स्लरी तैयार करेंगे। स्लरी तैयार करने के बाद एक पैन गर्म करेंगे, उसमें डालेंगे ऑयल। ऑयल को अच्छा गर्म होने के बाद इसमें डालेंगे अपने कोट किए हुए सोयाबीन। फ्लेम को मीडियम टू हाई रखेंगे और सोयाबीन को अच्छा क्रिस्प होने तक तलेंगे। ये लगभग 2 से 3 मिनट में अच्छे क्रिस्प तलकर रेडी हो जाते हैं। हमारे सारे सोयाबीन तल गए हैं, हम इन्हें निकाल लेंगे। अब हम अपने बाकी बचे हुए सोयाबीन को भी तलकर निकाल लेंगे। एक बार में जितने सोयाबीन आते हैं आप उतने सोयाबीन तलकर निकाल सकते हैं। अब इसके बाद एक पैन गर्म करेंगे, उसमें डालेंगे 2 बड़े चम्मच ऑयल। यहाँ मैंने रिफाइंड ऑयल का यूज़ किया है। फ्लेम को मीडियम रखेंगे। ऑयल गर्म होने पर डालेंगे इसमें कटी हुई अदरक और कटी हुई लहसुन की कलियाँ। यहाँ मैंने 13 से 14 लहसुन की कलियाँ ली हैं, क्योंकि इसमें लहसुन थोड़ा ज़्यादा यूज़ होता है। इन्हें 30 से 40 सेकेंड तक सॉटे कर लेंगे। इनका बस कलर चेंज नहीं होना चाहिए। अब डालेंगे इसमें डाइस कटे हुए शिमला मिर्च और प्याज। इन्हें भी 30 से 40 सेकेंड तक सॉटे कर लेंगे हाई फ्लेम पे, ताकि इनका क्रंच बना रहे और इनका कच्चापन निकल जाए। 30 से 40 सेकेंड बाद इसमें डालेंगे 1 बड़े चम्मच सोया सॉस। यहाँ मैंने छोटे चम्मच का यूज़ किया है, इसलिए 2 चम्मच मैं डालूँगी। इसके बाद डालूँगी चिली सॉस और टोमेटो सॉस। तो यहाँ मैंने हॉट एंड स्वीट टोमेटो सॉस का यूज़ किया है, इसलिए 2 सॉस अलग अलग नहीं डालूँगी, केवल एक ही सॉस है। आप अगर अलग अलग डालना चाहें तो 1 चम्मच चिली सॉस और 1 चम्मच टोमेटो सॉस डाल सकते हैं। अब फ्लेम को लो कर देंगे और इन्हें 10 सेकंड के लिए सॉटे कर लेंगे। दस सेकेंड बाद इसमें डालेंगे हरी मिर्च कटी हुई। यहाँ मैंने 2 हरी मिर्च छोटी छोटी कट करके डाली है और 2 स्प्लिट करके। आपको जैसे मन हो और जितने क्वांटिटी में मन हो चिली यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें डालेंगे अपनी तैयार की हुई स्लरी, उसमें थोड़ा पानी और ऐड करेंगे। यहाँ लगभग 1/2 कप पानी का यूज़ किया है मैंने, और इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे, क्योंकि कॉर्नफ्लोर नीचे पानी में जम जाता है। इसे मिक्स करके और पैन में डालेंगे। फ्लेम को लो ही रखेंगे। अब कॉर्नफ्लोर को अच्छी तरह से मिक्स करके
15 से 20 मिनट के लिए पकने देंगे लो फ्लेम पे। कॉर्नफ्लोर पकने के बाद बहुत ही अच्छा कलर देती है। अब इसमें डालेंगे आधे चम्मच नमक। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं। ध्यान रहे सोयाबीन में भी हमने नमक डाला है, सोया सॉस में भी नमक होता है। और इसमें डालेंगे एक चम्मच विनेगर। इसे मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसमें डालेंगे फ्राई किए हुए सोयाबीन। सोयाबीन हमें बिल्कुल सबसे लास्ट में डालना है। सोयाबीन डाल करके इसे मिक्स कर लेंगे सारे सोयाबीन को अच्छी तरह से। जब हमारा सॉस रेडी हो जाए तभी हम सोयाबीन को डालेंगे, क्योंकि फ्लेम पर ज़्यादा देर रहने से सोयाबीन हमारे सॉफ्ट हो जाएंगे। लास्ट में डालने से इनका क्रंच बना रहता है। हमारे सोयाबीन रेडी है। अब इन्हें हम निकाल करके सर्व कर लेंगे। सारे सोयाबीन को एक प्लेट में निकाल लेंगे, उस पर हरी मिर्च रखेंगे और अदरक के जूलियन रख करके इन्हें गर्मा गर्म सर्व करेंगे। ये तैयार है हमारे शाइनी क्रंची रेस्टोरेंट स्टाइल सोया चिली। बहुत ही टेस्टी बने थे। आप इन्हें स्नैक में यूज़ कर सकते हैं, बच्चों के टिफ़िन में दे सकते हैं। अगर रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।